આ કાર્યક્રમના પ્રાયોજક છે જીવનભર કા અતૂટ બંધ રાજાની ચાય અગરબત્તી મસાલા ઓર માચીસ નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અતિથિમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. અતિથિ એટલે એવો કાર્યક્રમ કે જે કાર્યક્રમમાં વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ સાથે આપની મુલાકાત કરે છે અને વાતો કરે છે. આજે આપણી સાથે છે સાજિદ ખાન. સાજિદજી નમસ્કાર. નમસ્કાર. પહેચાન તો એ હોતી હૈ કે મસ્તીખોર, ખુદ ડ્રામેબાજ. યુ નો, યે મેં થોડા સા સરપ્રાઈઝ હું જો લોગ મુજે બોલતે હૈ કે મેં બહોત બડા ડ્રામેબાજ હું, લેકિન વો એક્ચ્યુઅલી રોંગ ભી નહીં હૈ, ક્યુંકિ મેરા જો પેશા હૈ હોસ્ટ દોસ્ત ફિલ્મ મેકર કોમેડી ફિલ્મ્સ કોમેડી ટીવી શોઝ હોસ્ટ કરના, उसमें इतनी ड्रामेबाजी रहती है. मैं पर्सनल लाइफ में बहुत सुलझा हुआ हूँ, उलझा हुआ नहीं हूँ. ना मैं शराब पीता हूँ, मैं ना मैं डिस्को जाता हूँ, ना मैं शादीशुदा हूँ, ना मेरे घर में बच्चे इर्द गिर्द भागते रहते हैं. जब मेरे सिस्टर के बच्चे हफ्ते में एक बार आते तो मेरा घर पूरा एक हॉस्टल बन जाता है. लेकिन मैं बहुत क्वाइट किस्म का इंसान हूँ मैं. लेकिन एक इमेज बन गई है कि जो स्क्रीन पे दिखती है कि बहुत शरारती मस्ती वाला, किसी की भी खिंचाई करने वाला, वो तो पेशा है, धंधा है, धंधा है, धंधा है. लेकिन धंधा जो दिखता है लेकिन वो नहीं है. पीछे का साजिद खान कुछ और है. बिल्कुल 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 सर. इस और जो एक इमेज अंदर अंदर पड़ी हुई है साजिद खान की, वो मेरे हिसाब से साइड बहुत कम दफा लोगों को बाहर आई हुई है. और उसमें एक ये भी है कि बहुत ऐसी परिस्थिति में साजिद खान ने दौर ऐसा पास किया है जी, और सब करते हैं सब. हाँ, जिसने जो आज की तारीख में भी आंखें भर आती है अगर वो दिन याद करते हैं. नहीं नहीं, बट सर मैं पॉजिटिवली लेता हूँ, हर चीज़ को पॉजिटिवली लेता हूँ. सर मैंने अपनी ज़िंदगी शुरू की, फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन के करियर की बात करता हूँ, तो लोग बोलते हैं अरे यार हिम्मत वाला और हमशक्ल उतनी नहीं चली जितना साजिद खान क्लेम कर रहा था. फेयर इनफ. मैं क्लेम इसलिए भी कर रहा था क्योंकि मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं मिली एज अ फिल्म मेकर विद हे बेबी एंड हाउसफुल एंड हाउसफुल. कहीं ना कहीं क्रिटिक्स ने मेरी फिल्म्स को देखने से पहले अटैक किया क्योंकि मैंने बनाई. और उसके पीछे रीज़न ये था कि 20 साल तक मैंने टीवी पर दूसरे लोगों की फिल्मों का मजाक उड़ाया. अंग्रेजी में जो कहावत है व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. मैंने अपना टेलीविजन पे करियर शुरू किया था 93 में. एक शो था मैं भी डिटेक्टिव. आप मानोगे नहीं सर, एक जर्नलिस्ट ने 6 हफ्ते तक आधा आधा पेज की आर्टिकल्स एक बहुत बड़े न्यूज़पेपर में 6 हफ्ते तक, चलो एक हफ्ता बोल दिया तब तक ठीक है, दो हफ्ता भी बोल दिया बहुत बड़ी बात है, 6 हफ्ते तक बैंड साजिद खान. Okay. मैं शुरू किया था. मैं भी डिटेक्टिव था, वो डिजास्टर फ्लॉप था वो टीवी शो. आई थिंक सक्सेस एंड फेलियर से मुझे कभी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है माई सक्सेस इज इफ आई कैन टेक केयर ऑफ माई मदर, इफ आई कैन टेक केयर ऑफ माई सिस्टर, इफ आई कैन बी देयर फॉर माई फ्रेंड्स. एंड माई फेलियर इज अगर मैं अच्छा दोस्त नहीं हूँ, अच्छा नागरिक नहीं हूँ, अच्छा बेटा नहीं हूँ, अच्छा भाई नहीं हूँ. प्रोफेशनल ने ऊंच नीच तो आती रहती है सर, ऊपर उतार चढ़ाव. नहीं, आपने जो बताया कि मेरी बस एक ही टारगेट है कि मैं मम्मी को अच्छी तरह से, मैं बात अगेन जो मैंने बताया आपको, सवाल था मेरा, मैं टेलीविजन इंडस्ट्री में आपकी एंट्री होने से पहले वाली बात कर रहा हूँ. वहाँ पे क्योंकि आपने भी बताया था जब भी साजिद नडियादवाला साहब से जो आपने बताया कि हम दोनों ने एक ऐसे फेस में से हम बाहर आए हुए. करेक्ट करेक्ट. दोनों ने गरीबी देखी है हमने. हाँ, मैं वो बात कर रहा हूँ. वो दिन है ना, वो भी मेरे हिसाब से कई लोग, क्योंकि ये शो जाना माना है, भूल जाते हैं, भूल जाते हैं. कई लोगों को याद भी रखना होता है, लेकिन शो ऐसा करता है कि नहीं वो पास डे था. मुझे नहीं सर, नहीं सर, मेरा जो थिंकिंग है वो एकदम मिडिल क्लास मेंटेलिटी है. इनफैक्ट मिडिल क्लास भी उस वक्त हमारे लिए रिच क्लास था. वी वर नॉट ओनली लोअर मिडिल क्लास, वी वर अंडर लोअर मिडिल क्लास. वी वर नॉट पुअर, वी वर बर्बाद. व्हेन माय फादर एक्सपायर्ड ही लेफ्ट बिहाइंड नथिंग फॉर फारा एंड मी, बट ही लेफ्ट बिहाइंड लॉट्स ऑफ कर्जा. जो मैं था 10 साल का, फारा थी 15 साल की. तो अब एक 10 साल का और 15 साल के, और मैं बात कर रहा हूँ तभी लाखों का कर्जा, कैसे कैसे उतारेंगे, कैसे चुकाएंगे. तो तब से सर मैंने पूरी तरह से, मेरा खाली एक ही लॉजिक रहता था कि यार मेरे को स्कूल तो जाना ही है, पढ़ाई तो करनी है, लेकिन यार 3 बजे के बाद मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मैं पैसा कमा सकता हूँ, थोड़ा घर में राशन कैसे आएगा. तो वो बहुत बड़ा होता था. तो चोरी करना शुरू किया था मैंने. मैं जेल, ऑलमोस्ट जेल भी पहुँच गया था.
आपके घर पे आऊँगा जूता देख लूँगा चोरी कर लूँगा, आपके घर पे आऊँगा टीवी का रिमोट कंट्रोल चोरी कर लूँगा, ऐशटे चोरी कर लूँगा, बाहर जाके बेच दूँगा, 5 रुपये आ गया, 10 रुपये आ गया, 3-4 रुपये का खाना लेके आ गया घर पे, 1/2 किलो चावल ले लिया, गेहूँ ले लिया, 1 रुपये का शक्कर ले लिया और 3-4 रुपये से लीडो सिनेमा पिक्चर, ये मेरी लाइफ हो गई थी 3-4 साल के लिए। वो जो माहौल में मैं पल रहा था वो शिवाजी नगर का माहौल था, वो हमारे एरिया का जो झोपड़पट्टी था, तो मैं झोपड़पट्टी का लड़का था, लेकिन मेरी जो अपब्रिंगिंग हो रही थी स्कूल की वो ICSE हाई कैम्ब्रिज इंग्लिश की हो रही थी, तो आई वॉज इन टू डिफरेंट ICFI आई थिंक, अगर नो ICSE मानेजी कूपर स्कूल, फ्रॉम 9 o'clock टिल 3 o'clock आई वॉज विद द richest पीपल ऑफ द सिटी इफ नॉट द कंट्री, कोई मंत्री का बेटा है तो कोई स्पोर्ट्समैन का बेटा है तो एक्टर्स के बेटे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं और मैं उनके साथ पढ़ाई कर रहा हूँ, एंड आई एम सिंगिंग एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मूवीज एंड आई एम डूइंग डीजेइंग एज अ किड, यस, बट फ्रॉम 3 o'clock टिल 7 o'clock 8 o'clock 9 o'clock इन द नाइट आई एम झोपड़पट्टी का है। सो दैट समवेयर दैट बैलेंस, ये बैलेंस करना, क्योंकि ये बात अगेन जो साजिद खान दिख रहे हैं उसके अंदर जो पड़ा हुआ साजिद खान है, ये इफेक्ट कहीं ना कहीं कभी ना कभी उस स्क्रीन पे आ जाती है, अपने स्क्रिप्ट में आ जाती है, थॉट्स में आ जाती है, रिलेशन डेवलप करने में आ जाती है, रिलेशन तोड़ने में आ जाती है, आती है। मैं एक चीज़ मेरी ज़िंदगी जो मुझे हमेशा मिला है, हमेशा मुझे मिला है और ये आज नहीं आई थिंक बचपन से मिला है कि यार तू ऐसा है नहीं, तू तो बहुत अलग है यार, तेरे बारे में हम कुछ और ही सोचते थे, ये मुझे बहुत मिलता है कि तेरे बारे में हम कुछ और सोचते थे। ये कौन बताते हैं? जो मेरे को मिलता है, यहाँ तक कि मेरे कुछ क्रिटिक्स दोस्त भी हैं, जर्नलिस्ट दोस्त भी हैं, कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी हैं जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, जो सुनते हैं, जैसे आपने फॉर एग्जांपल दिया कि ड्रामेबाज, बट आई एम श्योर आफ्टर दिस इंटरव्यू इवन यू विल फील कि यार ये इसमें थोड़ा डेप्थ है जो शायद कोई जानने की कोशिश नहीं कर रहा है या जानना चाहता नहीं है। दूसरी बात, मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ उसके बारे में, आई डोंट लाइक टू टॉक अबाउट माई पास्ट। हाँ, अगर आप पूछोगे तो मैं छुपाऊंगा कभी कुछ नहीं, यू नो, बिकॉज आई फील अगर मेरे पास से कोई सीख ले या किसी का फ़ायदा हो जाए तो अपना ही फायदा है। ये जो डबल माइंड सेट स्कूल में रहता था, क्योंकि आपने बताया कि स्कूल जब जाता था तो एक अपर क्लास के लोग, जो हायर लेवल के लोग थे, खुद उसको मालूम है कि 3 बजे के बाद मुझे वही मेरी बस्ती में जाना है, ये वहां पे सेट होना उनके साथ, क्योंकि वहां शॉप भी करना है और क्योंकि वहां दिखाना भी नहीं है 10 साल की उम्र से, यस, मिक्सचर हो गया था क्योंकि स्कूल में उन लोगों के साथ, क्योंकि आपका स्टोरी में इसीलिए टेरेंस लुइस में भी बिल्कुल मिलती जुलती स्टोरी कुछ, इसीलिए तो टेरेंस मेरा दोस्त है, इसीलिए तो मैं उसको भाई की तरह मानता हूँ, मेरे को वो लड़का बहुत पसंद है। आई थिंक बहुत गट्स होना चाहिए एक जज में कि आप एक रियलिटी शो पे बैठे हो और आप बोलते हो रियलिटी शो पे, जो मैंने नच बलिए के दोनों सीजन में बोला कि आज तक मेरे हिसाब से, मैं जज हूँ इस शो का, लेकिन मेरे हिसाब से एक रियलिटी बेस्ड शो का जज टेरेंस लुइस से बेटर कोई नहीं हो सकता है, ये मैं बोलता हूँ, क्योंकि वो लड़का एग्जैक्टली सेम तरीके से ऊपर आया। साजिद नडेवाला से मैं प्यार क्यों करता हूँ, इसलिए प्यार करता हूँ क्योंकि उसने भी उसी लेवल की गरीबी देखी सर। आई फील तो झगड़ा क्यों किया था? अब सर दोस्ती में झगड़ा तो अलाउड है सर, और झगड़े होते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, और हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी काम के लिए थी। ओके, यहाँ रोकूंगा, वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, दर्शक मित्र विराम बाद, बात कर इशू साजिद खान साथ नहीं। सबकी पसंद के मसाले, राजानी मसाले, जीवन भर का अटूट बंधन, राजानी चाय, अगरबत्ती, मसाला और माचिस। विराम और फरीक और स्वागत है आपनों कार्यक्रम अतिथि मासाजी जी। ब्रेक से पहले आपने बताया कि 3 बजे के बाद वही झोपड़पट्टी, शायद इसीलिए मिथुन और जितेंद्र और रजनीकांत सर और रजनीकांत और अमिताभ बच्चन वो तो रहते ही थे। हाँ हाँ, रहते ही थे। लीडो सिनेमा हम लोग का था, चंदन सिनेमा था, चंदन सिनेमा आज तक है, सिंगल स्क्रीन है, और कोई कल्चर था नहीं हम लोग के पास सर, और कोई कल्चर नहीं था। यहाँ तक कि हम लोग रुकते थे कि गणेश चतुर्थी चालू होएगा, गणेश चतुर्थी के टाइम पे सर रास्ते पे रात को फिल्में दिखाते थे वो लोग, तो हम लोग को लगता था कि 11 दिन की फिल्में हमारी नाइट शो फ्री हो गई एक, और पूरा दिन लाउडस्पीकर प्ले होता था
अब जब लाउड स्पीकर प्ले होता था, आई एम अ डिस्को डांसर से लेके हिम्मत वाला से लेके मवाली से लेके सारे पप्पी लहरी के लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के जो गाने बजते थे, आरतियाँ कम बजती थी, आरती खाली आई थिंक पूजा के टाइम पे शाम को होती थी, लेकिन पूरे दिन फिल्मों के गाने बजते थे। तो हम लोग डांस प्रैक्टिस करते थे सर। आप यकीन नहीं करोगे, 82 में डिस्को डांसर का ऐसा क्रेज़ हुआ था, क्योंकि तभी वीडियो तो था नहीं हम लोग के पास। तो हम लोग ना पीछे से, मिलन सिनेमा के पीछे से पिक्चर चालू होने के बाद, तभी एसी नहीं होता था वो थिएटर में, तो उन लोग दरवाजा खुला रखते थे हवा अंदर आने के लिए, तो आप अंदर चले जाते हवा के साथ, अंदर जाके पीछे खड़े होते थे स्टॉल में, और मिथुन चक्रवर्ती के डांस स्टेप कॉपी करते थे जो स्क्रीन पे वो नाच रहे, हम लोग, मैं और मेरे दोस्त पीछे करते थे। तो ये सारी चीज़ें, ये फिल्में देखने के लिए आप और दीदी दोनों जाते थे, डांट भी बहुत पड़ती? नहीं, फारा को इतना नहीं शौक था। आपको डांट पड़ती थी, पकड़े जाते थे? बहुत सर, बहुत। फारा बिचारी बहुत रिस्पॉन्सिबल लड़की थी। फारा को कहीं ना कहीं, जब से मेरे डैड की डेथ हुई ना और पेरेंट्स का सेपरेशन भी हुआ था, तो फारा को कहीं ना कहीं ऐसा हो गया था कि आई एम द मैन ऑफ द हाउस, कि मेरा भाई तो कन्फर्म जेल जाने वाला है, इज अ गुड फॉर नथिंग, जो जेन्युइनली था मैं, आई वॉज अ गुड फॉर नथिंग, बट आई जेन्युइनली फेल्ट कि उसको इतना शौक नहीं था फिल्मों का। वो बेचारी पैसा कमाना चाहती थी, वो घर बराबर के क्रैक हो रहा है, ऊपर से सीलिंग गिरी है, सीलिंग को कैसे फिक्स करेंगे, नेक्स्ट मंथ इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है वो कैसे करेंगे, 4 दिन बचे हैं, फ़ोन कट जाएगा, ये उसके दिमाग में था। मेरे दिमाग में ये था कि बॉस पैसा 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 कमाना है, पैसा कमाना है, जो मैंने अक्षय कुमार में भी देखा है। शायद इसीलिए अक्षय को भी मैं भाई जैसा मानता हूँ, उसने भी बहुत गरीबी देखी है। मुझे ऐसा लगता है, अगर आपने गरीबी देखी और आपने कुछ लाइफ में अचीव किया है, तो आप उस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू भी करोगे, एक प्लस आपका पीपल्स कनेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है, दैट आई फील। वो पीपल कनेक्ट ऑलवेज कीप्स यू फ्लोटिंग, इवन व्हेन यू आर सिंकिंग इट स्टिल कीप्स यू फ्लोटिंग, यू नो, लाइक लाइफ ऑफ पाई का बोट। साजिद जी, टेलीविज़न में एंट्री के बाद एक ऐसा शो जिसमें आपने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आपका शो दर्ज हो गया, इतने नंबर ऑफ एपिसोड्स बना दिए, डे बाई डे बरसों से, क्योंकि पापा के टाइम से फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्शन तो था ही। हाँ, कनेक्शन तो था ही। प्लस डेजी रानी, हानी रानी, हाँ, वो भी एक फैमिली था। फिर भी सलीम जावेद, फिर भी इस इंडस्ट्री में कहा जाता है कि काम मांगने से मिलता है। जी, क्या फील होता है कभी कभी कि कुछ भी हो, टैलेंट हो, कॉन्टेस्ट हो, लेकिन मांगना तो पड़ता है? ऑफकोर्स, और अगर आप नहीं मांगोगे तो कोई और मांगेगा, और मांगने के भी अलग अलग तरीके। आज की डेट में ना वो पैशन कहीं ना कहीं फिल्मों का धंधा बन चुका है, और क्योंकि धंधा बन चुका है, स्टेक्स आर सो हाई। एवरी ईयर एक कॉरपोरेट हाउस नहीं है जिसका 100-200 करोड़ रुपया नहीं टूटा है। टूटा मतलब पानी में है, मतलब मट्टी हो गया है पैसा। बड़ी से बड़ी फिल्मों के जो बड़े बड़े प्राइसेस देते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं कर पाते वो कॉस्ट को, यू नो। अब एवेन्यूज चालू हो गए हैं कटिंग्स के, कि इश्तिहार नहीं करेंगे, होर्डिंग्स नहीं लगाएंगे, फुल पेज एड्स नहीं देंगे, तो 2-3 करोड़ वहाँ कम हो जाएगा, लेकिन सर उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक्चुअली अगर आज की डेट में फिल्म इंडस्ट्री को कोई बचा सकता है, जेन्युइनली कोई बचा सकता है, तो दैट इज़ ओनली पायरेसी। अगर लोगों को घर पर डाउनलोड्स नहीं मिलेंगे तो वो 100% थिएटर में जाएंगे। आज की डेट में सर 12 बजे पिक्चर रिलीज होती, 3 बजे तक चकाचक आपके लैपटॉप पे पिक्चर आ गई। आपने अभी जो बताया ये शो शुरू होने से पहले, कि जितने भी रियलिटी शोज होते हैं उसमें मैन्युपुलेशन होता है, कहीं ना कहीं सेटिंग होता है, इसके बारे में मुझे ब्लंट आपका ओपिनियन जानना है, बिकॉज ये बात बहुत कम लोग करते, क्योंकि इंडस्ट्री में रहना है वो लोग बात नहीं बताते, छुपाते अपने आप को इसमें। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सिस्टम। सिस्टम इज़ करेक्ट, मार्क्स आर करेक्ट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिस्टम करेक्ट करप्ट है, या मार्क्स गलत दिए जा रहे हैं, या घूस खिलाया जा रहा है, नहीं। रियलिटी शोज क्या है सर? रियलिटी शोज आर बेसिकली अ टर्म फॉर एंटरटेनमेंट एट होम। दे हैव नाउ टेकन ओवर फिक्शनल शोज। जो फिक्शनल कॉमेडी शोज का या एंटरटेनर शोज का जो स्लॉट होता था, सास बहू को छोड़ के और इमोशनल शोज को छोड़ के, वो रियलिटी शोज में। लेकिन पॉलिटिक्स इतनी होती हैं कंटेस्टेंट्स की, कपल्स हो, सिंगल्स हो, डांसर्स हो, सिंगर्स हो, यू नो, ग्रुप डांसर्स हो, और इतना फेक बिहेवियर होता है उनका, क्योंकि सब चाहते हैं कि प्लीज़ हमें वोट दो, हमें वोट दो, सबको वोट चाहिए ताकि वो वोट से आगे जाके नोट कमाएं। इसीलिए शायद ये शो मुझे 100% जेन्यून इसलिए लगता है, क्योंकि इसमें बच्चे पॉलिटिक्स कर ही नहीं सकते हैं। जो थोड़ी बहुत मैंने पॉलिटिक्स एक एपिसोड में देखी, वो माँ बाप की देखी है। ओके, क्योंकि माँ बाप बड़े हैं, हाँ, वो ये सब सोच सकते हैं। ऑफ कोर्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग?
बच्चा क्या पॉलिटिक्स करेगा 6 साल का 7 साल का 8 साल का, दैट इज व्हाई दिस शो इज 100%। पॉलिटिक्स की बात बताइए, जिस तरह से अभी इंडस्ट्री या तो पूरा देश में जितने भी इंटेलेक्चुअल्स है 2 खेमे में बिक गए अभी टॉलरेंस के मामले में जी। कई लोग अपने अवार्ड्स वापस दे देते, फिल्म इंडस्ट्रीज टेलीविजन इंडस्ट्रीज में भी 2 पार्ट हो गए। या व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस टॉलरेंस? माय ओपिनियन इज सर, आई फील टू ईच हिज ओन, यू नो, आई फील टू ईच हिज ओन। जो आपका माइंडसेट है वो आपका माइंडसेट होना चाहिए, वो आपको कोई चेंज नहीं करके दे सकता है। रहा सवाल टॉलरेंस का, आई फील पर्सनली बिकॉज आई एम अ किड फ्रॉम नेहरू नगर सोसाइटी, माय मदर इज पारसी गुजराती, माय फादर इज मुस्लिम, आई हैव माय अपब्रिंगिंग हैज बीन महाराष्ट्रन डोमिनेटेड इन अ महाराष्ट्रन एरिया, बट आई वेंट टू अ गुजराती स्कूल, माय बेस्ट फ्रेंड्स आर गुजरातीज, बट टू ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स आर सरदार्स। आई ग्रो अप इन अ पंजाबी नेबरहुड, सो मैनू पंजाबी आंदी है, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। आई फील फॉर मी देर इज नो रिलीजन, देर इज नो जात पात, आई डोंट बिलीव इन दैट। आई बिलीव आई विल नॉट जज यू बिकॉज ऑफ योर कम्युनिटी और योर कास्ट, और आई विल नॉट बिकम फ्रेंड्स विथ यू बिकॉज ऑफ योर कम्युनिटी ऑफ योर कास्ट, आई विल बिकम फ्रेंड्स विथ यू इफ यू आर अ गुड पर्सन और अ बैड पर्सन, दैट इज वॉट आई फील। सो फॉर मी एवरीबडी इज एब्सोल्युटली ऑलराइट। ब्रेक से पहले आपने एक बात में बताया था कि फर्स्ट पार्ट में कि एक ऐसा दौर जहाँ पे शायद वो आप भूल नहीं पाएंगे, ऐसे ऐसे काम करने पड़े थे, शायद वो ज़रूरत भी थी, या तो आपको अंदर से लगता था कि मुझे ये करना है फैमिली के लिए करना है। लाइफ में सबसे गिल्टी सिचुएशन साजिद खान की लाइफ में कौन सी आई थी? बहुत सारी गिल्टी सिचुएशन आई है सर। एक गिल्ट आया था स्कूल में, बहुत बड़ा गिल्ट आया था जब मैंने मेरी दोस्तों ने चोरी की थी, हम लोगों ने कॉमिक्स चोरी की थी। कॉमिक हम लोग की स्कूल में एग्जीबिशन होता था कॉमिक्स का, नीचे असेंबली हॉल में बहुत बड़ा एग्जीबिशन होता था। तो मैंने और मेरे 3 दोस्तों ने पूरी प्लानिंग की थी कि शाम को 6 बजे जब एग्जीबिशन ख़त्म होगा, हम लोग पीछे की खिड़की को तोड़ के अंदर जाएंगे और एक एक कॉमिक सिलेक्ट करेंगे, और बांद्रा में एक दुकान है जो 2 रुपये की कॉमिक 50 पैसे में खरीदेगी, तो हम अगर 500 कॉमिक चोरी करेंगे तो 250 रुपया मिलेगा हमको, और 250 रुपया अगर हमको मिलेगा तो उसमें से 100 मेरा, 75-75 तुम दोनों का, क्योंकि मैं लीडर हूँ ग्रुप का। ओके, जुगनू है। हाँ, पूरी प्लानिंग की थी। देखो सर, और मैं बात कर रहा हूँ 10-11 साल की उम्र की, क्राइम, आई वाज हेडेड टुवर्ड्स क्राइम, एंड अच्छा है, आई कैन रिमेंबर दैट एंड आई कैन टेल देम डोंट डू इट, आई कैन टेल पीपल डोंट डू इट बिकॉज आई लर्नड माई लेसन। What if your child doesn't learn his lesson, or what if 11-year-old watching me right now doesn't learn his lesson? Crime doesn't pay, it doesn't pay, trust me. I'm telling you, na, the only time you get satisfaction, I promise you, is when you work 100% hard, aur aap jab sone jate ho aur aap aankh band karte ho aur aap realize karte ho ki main acha insaan ho ke bura insaan ho, aur agar aapko neend aaye ki aap acche insaan ho, to hats off, that's your satisfaction. Agar aapko neend aaye, fir kya hua jo aap bure insaan ho, wo jo 250 rupya fir kya hua? कुछ नहीं सर, आई एम सॉरी, मैं कैरेड अवे हो जाता हूँ। तो जब एक लड़का पकड़ा गया, वी पुल्ड इट ऑफ, 500 कॉमिक्स चोरी हो गई थी, 500 कॉमिक्स वी पुल्ड इट ऑफ। वो लड़का पकड़ा गया और वो टीचर ने उसको बोला, प्रिंसिपल ने बोला कि यू हैव टू नेम द अदर्स, यू हैव टू नेम द अदर्स, यू हैव टू नेम द अदर्स। उसने मेरा नाम ले लिया था, और मैंने अपने दूसरे दोस्त को बहुत डरा दिया था कि मैं जाऊँगा, मैं तेरे को भी लेके जाऊँगा, उसने तेरा नाम नहीं लिया, तो अब तू और मैं इस पे ब्लेम डालेंगे। ओके, पूरी विलन की चाल, पूरी विलन की चाल, 10 साल का बच्चा, 11 साल का बच्चा, और सर उसको 1 महीने तक रस्टिकेट कर दिया था वो लड़के को स्कूल से। वो मेरी जिंदगी का सबसे गिल्टी मोमेंट था, आप यकीन नहीं करोगे। मैं उसके घर जाता था एवरीडे, उसको सॉरी बोलता था, ओन अप करूंगा तो मुझे निकाल देंगे स्कूल से। एग्जाम्स खत्म हुए, 7th स्टैंडर्ड की बात है, आई थिंक नहीं 4th स्टैंडर्ड की बात है, एंड आई वेंट एंड कन्फेस टू द टीचर। वेकेशन चालू होते हैं ना, उससे पहले टीचर को कन्फेस किया मैंने, और सर वो पूरा वेकेशन, अप्रैल मई का वेकेशन, मैं डर के निकाल रहा था कि मैंने आज लास्ट डे पे टीचर को बोल दिया, प्रिंसिपल को नहीं बोला, मेरी क्लास की टीचर को बोल दिया कि मैंने किया था, अब जैसे वापस स्कूल जाऊंगा उन लोग मेरे को निकाल देंगे स्कूल से। तो फर्स्ट डे जून का जब वापस स्कूल शुरू हुआ था, मैं भाग के वो टीचर के पास गया था कि प्लीज़ डोंट रिमूव मी फ्रॉम स्कूल, आई एम वेरी पुअर, प्लीज़ डोंट रिमूव मी फ्रॉम स्कूल, प्लीज़ प्लीज़। उसने बोला यू डोंट डू इट एवर अगेन, तब से चोरी बंद कर दी थी मैंने। शादी क्यों अभी तक नहीं की? आया बहुत करीब, 3-4 बार जिंदगी, नहीं 6-7 नहीं, 15-20 बार आया, थोड़ा करीब आया शादी के, लेकिन डर गया थोड़ा। मैं बोर भी हो गया, डर भी गया, वो बात नहीं हुई, अब डर गया।
जेन्युइनली डर गया. आई कैन ओपनली से इट. आई गॉट स्केर्ड ऑफ कमिटमेंट टू अ लीगल लेवल. आई डिड. आई एम सॉरी. वो एक बात आते आते थोड़ा लीगल में आते थे, थोड़ा पीछे. लीगल इन द सेंस मैरिज ना. मैरिज इज लीगल ना. आई हैड लिव इन रिलेशनशिप्स विथ क्वाइट अ फ्यू वीमेन, सम वेरी नाइस वीमेन ऑल्सो. एंड क्या था सर, बिटवीन माई 20s and 30s ना, आई वॉज नॉट अ गुड बॉयफ्रेंड. आई वॉज अ वेरी बैड बॉयफ्रेंड. आई थिंक मैंने सक्सेस टी वी पर देखना शुरू कर दिया था, एक नया किस्म का स्टार्डम देखना शुरू कर दिया था. तो मेरे लिए लड़कियों को झूठ बोल के टू गेट देम टू बेड ना, हैड बिकम अ वेरी ईजी थिंग. इट मेड मी नॉट अ गुड पर्सन विद वीमेन, इन द सेंस आई वॉज नॉट अ गुड बॉयफ्रेंड. एवरी गर्लफ्रेंड ऑफ माइंड बिहाइंड द बैक्स आई चीटेड. आई थिंक समवेयर व्हेन आई टर्न 35, जब मैंने हे बेबी बनाई थी 2007 में, तब मैंने रियलाइज़ किया कि दिस इज़ नॉट वर्थ इट. टाइम आई रियलाइज यू नो फ्रॉम 35 ऑनवर्ड्स के यू नो आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस विद वीमेन. आई हैड माई फिल. बहुत झूठ बोल लिया, बहुत बार पकड़े भी गए, बहुत बार कान भी पकड़ा, बहुत बार पैरों पर भी गिड़ गिड़ा के. अभी अपने आप पे भरोसा नहीं है कि शायद अगेन ये वापस होगा तो आने वाले दिनों में मुझे तकलीफ होगी. शायद यही डर से अंदर की अंदर एक कॉन्शियस फाइट कर रही है अपने आप को, इसलिए शायद ये स्टेप पे नहीं जा रहे आप. सर क्या होता है, द अटेम्प्ट टू सर्च फॉर अ राइट पार्टनर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रू, बट यू गॉट सो मेनी अपॉर्चुनिटी. बट हाउ डू यू नो, आई थॉट दे वर द राइट पार्टनर्स. इफ दे वर द रॉन्ग पार्टनर्स देन आई वुड हैव नॉट गॉन अहेड. सो इफ दे वर द राइट पार्टनर्स आई वुडंट हैव गॉन अहेड. ओके, फाइन. नाउ रैपिड राउंड. मुझे रैपिड राउंड में आंसर मुझे साजिद जी की अंदाज में चाहिए. मैं एक एक बंदे का नाम बोलूंगा अपने हिसाब से. हाँ, पूछ के लिए. अमिताभ जी. लेजेंड. श्रीदेवी जी. हिम्मत वाला. राहुल गांधी. हैंडसम. मोदी. लीडर. माधुरी जी. ओके. लास्ट सवाल, तीन वीकनेसेस कौन सी है साजिद जी को जो आज को भी लगती है कि ये मुझे इम्प्रोवाइज करनी चाहिए, जिसको सुधारनी चाहिए जो आपने खुद ने खुद को एनालाइज किया. सिगरेट स्मोकिंग मेरी एक है. सिगरेट स्मोकिंग, उस पर रीजन दूं क्यों? या इट्स ओके. हाँ, एक मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सिगरेट स्मोकिंग का सर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं मन में ऐसी बात रही है कि इंसान में, हर आदमी में कुछ ना कुछ वाइस होना चाहिए. तो मैं शराब पीता नहीं हूँ, जुआ खेलता नहीं हूँ, डिस्को जाता नहीं हूँ मैं, यू नो आई डोंट डू नेफोरियस एक्टिविटीज़. सिगरेट पीना मेरे लिए बहुत हानिकारक है और मैं बंद करने की कोशिश करता हूँ लेकिन होता नहीं है, आदत सी लग गई है. दूसरी, वेट लॉस. क्या है उसके पीछे भी साइकोलॉजिकल इशू है. जब बहुत गरीब थे ना सर, तो दूसरे लोगों का अमीर रेस टेस्टी रिच खाना देखने का बहुत मन करता था, कहीं ये हम कब खा सकेंगे. तो तभी तो वेट लॉस था ही नहीं, क्योंकि वेट ही नहीं था, खाना ही नहीं था. तो जब पैसे आने लगे, खाना वो मिलने लगा ना, तो अब वो पैसे जाते ये सुलझाने में कि वेट लॉस कर लो. ओके. थर्ड वीकनेस, लास्ट वन, लाइट बंद करके सोना. मैं लाइट के साथ सोता हूँ. ओके. इसीलिए मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं शादी करूँ. थैंक यू वेरी मच साजिद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. दर्शक मित्र, आती बात साजिद खान साथ नहीं, फरी मरीशू नेक्स्ट एपिसोड में एक नवा अतिथि साथ, त्यां सुधी आप सबको नमस्कार. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अगेन. थैंक यू सर. आ कार्यक्रम ना प्रायोजक था जीवन भर का अतुट बंधन राजानी चाय अगरबत्ती मसाला और माचिस.